हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति सक्सेना और आज हम आपके लिए लाए हैं फ्यूजन रेसिपी जिसका नाम है ढोकला पिज्जा। पिज्जा बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, ज्यादातर बच्चे पिज्जा की डिमांड करते हैं और हम पेरेंट्स हमेशा उनको मना करते हैं कि बाहर का नहीं खाना है, लेकिन बच्चों की डिमांड अगर पूरी ना की जाए तो भी है ना दिल में ठेस पहुंचती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को हेल्दी डिश दी जाए, तो इसलिए आज हम बनाएंगे ढोकला पिज्जा नया तरीके से। बच्चों को अच्छा भी लगेगा खाने में और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ढोकला पिज्जा बनाना और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं। 1/4 कप वाटर यानी कि पानी, आधा कप मैंने दही लिया है, 1 कप बेसन, 1 से 2 ये मशरूम के टुकड़े हमने इस तरीके से काट लिए हैं, आधा कप टमाटर, 1 बड़ा प्याज जिनके इस तरीके से मैंने पेटल्स खोल दिए हैं, आधी शिमला मिर्च, इनको भी मैंने बड़े टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है, ग्रेटेड चीज, आप चीज मोजरेला ले सकते हैं, चेदर ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, स्वीट कॉर्न्स ये मैंने 1 कप ले रखा है, टोमेटो सॉस और 1 इनो का पैकेट, ओरिगैनो, और आप चाहें तो इसमें बेबी कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गाजर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ये पैन ले लेंगे और इस पैन में हम थोड़ा सा, आप चाहें तो बटर यूज कर सकते हैं या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल हम और डाल देंगे। इस ऑयल को हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे ये अनियंस। तो ये बड़े टुकड़ों में हमने ये प्याज को काट दिया है, इस तरीके से डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए ऐसे हमें सॉटे कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लें। ज्यादा नहीं करना है, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस हमें यही चाहिए। अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इन्हें भी अच्छे से एक बार मिला लेंगे। हमें इन्हें गलाना नहीं है, ना ही हमें इन्हें सब्जी की तरह तैयार करना है, बस 1 या 2 मिनट के लिए बस इस तरीके से ये हल्के से गोल्डन कलर के हो जाए, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। सकते हैं ये हल्के से गोल्डन कलर के हो गए हैं, हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे इस तरीके से और इस बाउल में हम डाल देंगे ये बेसन, आप चाहें तो सूजी का भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये दही, और इस दही से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना सा सॉल्ट लिया है और इसे मैं इसमें डाल दूंगी इस तरीके से सॉल्ट, एंड उसके बाद हमें इन्हें मिक्स करना है। तो ये आप देख रहे हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूं। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, बिल्कुल लिटिल बिट वाटर, ज्यादा एकदम से हमें पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप थोड़ा पानी और ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज्यादा गाढ़ी है यानी कि थिक है, तो हमें इसे हल्का सा पतला करना होगा। तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया हमारा, पर अभी भी ये ठीक से नहीं है, तो थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर ये आ गया हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे कर देना है साइड। अब आप देख सकते हैं हमने ये दूसरा बाउल ले लिया है और इसमें हम इस तरीके से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा ज्यादा ऑयल लगाइएगा जिससे कि आसानी से निकल आए। तो ये हमने सब तरफ ऑयल लगा दिया है और अब हमें क्या करना है, ये इनो का पैकेट है, ये आप देख सकते हैं ये इनो का पैकेट है और इसको हमें इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद इसे तुरंत हमें मिक्स करना है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद आपको सीधे इसमें डाल देना है। तो ये पूरा हमारा बैटर इसके अंदर, इसे हमें अच्छे से इस तरीके से टैप कर देना है और अब हम इसे माइक्रोवेव में रखना है 2 मिनट के लिए। ये मैंने सेट कर दिया है 2 मिनट के लिए और इसे हम चला देते हैं। तो ये देखिए चल गया 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ढोकला कितना अच्छा रेडी हुआ है, किनारे से भी इसने सब जगह छोड़ दिया है और कितना स्पंजी है ये देखिए आप। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम हल्का सा ऐसे कर देते हैं और इसे अब हम हल्का हल्का टैप करेंगे जिससे कि अच्छे से ये देखिए निकल आया। वाव, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा रेडी हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कितना स्पंजी ये हमारा है देखिए। अब हमें जो पिज्जा में जो तैयारी होती है हमें वो सब कुछ इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो इस तरीके से हम ये सॉस लगा देंगे। मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूं क्योंकि बच्चे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से अगर आप घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने सॉस लगा दिया है। और अब हम इसके ऊपर इस तरीके से इन्हें डाल देंगे। ये कैप्सिकम वगैरह मैंने डाल दिया है। थोड़े से हम इस तरीके से स्वीट कॉर्न्स भी इनके ऊपर ऐसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें सोयाबीन चंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा अच्छा ही लगता है देखने में। और अब हम इसमें ये थोड़े से ये जो मैंने लिए हुए मशरूम इन्हें भी रख देते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया ये सारे मशरूम। लग रहा है ना कलरफुल। ये थोड़े से टमाटर हैं इन्हें भी हम रख देते हैं इसमें। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं इस तरीके से चुटकी करके। और ये थोड़ी सी जो काली मिर्च है हमें इसको भी डाल देना है। उसके बाद हम ये ओरिगैनो है इसे भी डाल देते हैं। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने चीज ली है इसे हम इसके ऊपर रख देते हैं।
इस तरीके से आप फैला दीजिए। और इस चीज के ऊपर भी हम थोड़े से ये स्वीट कॉर्न्स ऐसे डाल देंगे ताकि ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। और ये बहुत ही हेल्दी है ये पिज्जा, ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। थोड़े से हम ये और रख देते हैं ऊपर ही ताकि चीज जब अच्छे से मेल्ट हो तो ये सब जगह से दिखे। एंड ये देखिए बन गया ना कितना प्यारा हमारा, है ना काफी हैवी सा। और वापस से हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज फिर से इस तरीके से डाल देंगे। अब हम इन्हें माइक्रोवेव में रखते हैं 1 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने माइक्रोवेव में रख दिया और 1 मिनट के लिए हमें इसे लगाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, जिससे कि चीज हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिज्जा बनके रेडी हो गया है। अब हम इन्हें पिज्जा कटर से काट लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ढोकला पिज्जा बनकर के रेडी हो गया है। आप अपने बच्चों को जरूर इसे खिलाइए और इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारे हाथ से बनाया हुआ पिज्जा कैसा लगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपको पिज्जा पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।